इसके लिए सबसे पहले हमें कटहल को बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ कुकर लिया है, कुकर की जो है गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम इसमें मिलाएंगे पानी, पानी मिलाने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी कटहल। कटहल को जब भी आप काटे तो हाथों में तेल लगा ले और छुरी में भी तेल लगा ले तो बहुत इजीली कट जाता है। मैं यहाँ पे कटहल को बॉईल कर रही हूँ, आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो। ये देखिए थोड़ा सा पानी हमें अभी और ऐड करना है ताकि पानी से कवर हो जाए। ये देखिए अब इसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी एक छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी, ताकि अच्छे से नमक जो है, इसके बाद हम थोड़ा सा इसको हिला लेंगे, इसको कवर करती हूँ और इसे एक विसल आने तक हमें पकाना है। उसके बाद हम फ्लेम ऑफ करेंगे, तब तक हम प्याज और टमाटर की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे दो बड़े प्याज लिए हैं, तीन टमाटर, दो हरी मिर्च, अदरक, 8 से 10 कलियां लहसुन की। तो इसको मैं क्या करूँगी, इसे मैं 1 मिनट तक बॉईल करूंगी। इससे जो है प्याज और टमाटर का जो टेक्सचर है ग्रेवी में बहुत अच्छा आता है। इसके लिए मैंने क्या किया है, इस तरह से प्याज को जो है 4 हिस्सों में काट लूंगी। इसी तरह दूसरे प्याज को भी। इसी तरह से मैं टमाटर को भी 4 हिस्से नहीं करने पर इस तरह से हमें कट लगाना है। इस तरह से अगर आप करते हो तो इसकी जो ग्रेवी आती है, ग्रेवी बनेगी बहुत ही स्मूथ और बहुत ही, मतलब नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं ग्रेवी विदाउट ब्लांच करके, तो उसमें क्या होता है कि उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। इस तरह से आप करोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो चलिए मैं इसे बॉईल कर लेती हूँ, गैस पे रखते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे प्याज की प्यूरी बना ली है, ये टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, ये मैं उस चीज़ का पेस्ट बनाया है। तो अब हम कटहल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने जो बॉईल किया था कटहल वो भी मैंने इस तरह से निकाल लिया है। इसके लिए अब मुझे जो चीज़ों की ज़रूरत है वो है सरसों का तेल। मैं यहाँ पर 4 बड़े चम्मच सरसों के तेल लूँगी और बाकी चीज़ें ये है, हींग लूँगी 1/2 छोटा चम्मच, ये है रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये मैं 2 हरी मिर्च डाल चुकी हूँ। तो ये लाल मिर्च का पाउडर जो है ये आप फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप तीखा खाते हो उतना लेना। और ये 1 टीस्पून मैं धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच मैं पहले भी वैसे हल्दी डाल चुकी हूँ कटहल में, उसमें रंग चढ़ चुका है लेकिन और भी अच्छा थोड़ा सा कलर आए तो इसके लिए 1/2 चम्मच मैं हल्दी लूँगी, 1/6 चम्मच। ये कसूरी मेथी है, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं 2, मैंने यहाँ पे तेज पत्ता लिया है, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और मैंने काली मिर्च के जो दाने होते हैं वो मेरे पास नहीं थे तो मैंने उसकी जगह यहाँ पे काली मिर्च पाउडर जो आता है वो आप डाल सकते हो, ये 1/2 छोटा चम्मच मैं डालूंगी। और ये है जीरा, जीरा आप जो है 1/2 टीस्पून, जो ये चम्मच है मैंने इसके अकॉर्डिंग सबको जो है मेजरमेंट किया है तो मैं 1/2 चम्मच ये लूंगी। सॉल्ट स्वाद अनुसार, तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे ली है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, कटहल मैंने 1/2 किलो लिया है, ये 1/2 किलो कटहल है। तो चलिए ये बनाना शुरू करते हैं कटहल की सब्जी। ये देखिए मैंने जो है फ्लेम ऑफ कर ली है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अभी मैं इसमें ऐड करूँगी तेल। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, आप चाहो नॉर्मल तेल ले सकते हो।
तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। जब इससे थोड़ा सा धुआं उठे तो आप फ्लेम ऑफ कर दीजिए। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसे मीडियम फ्लेम पे हमें दोबारा जो है गैस ऑन करना है। तो ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब थोड़ा सा इसे हम ठंडा होने देंगे। गैस हम मीडियम पे कर देंगे। अब मैं इसमें मिलाऊंगी जीरा और जो मैंने खड़े मसाले लिए थे वो, और आधा छोटा चम्मच हींग, मतलब एक चौथाई इतना हींग लिया है। इसको थोड़ा सा हम सॉटे कर लेंगे। आठ से दस सेकंड के लिए। इसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था, ये इसे हमें मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तीन से चार मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसमें मिलाऊंगी एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच हल्दी। इसे भी हम 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे ताकि हल्दी की जो कच्ची स्मेल है वो चली जाए। स्वाद अनुसार मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार। दो हरी मिर्च हम पहले डाल चुके हैं, इसलिए जो है लाल मिर्च आप ध्यान से डालिएगा, जितना आपको तीखा पसंद हो उतना ही। और नमक का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि पहले जो कटहल मैंने बॉईल किया उसमें मैं नमक डाल चुकी हूँ, तो थोड़ा बहुत नमक जो है कटहल में भी है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी काली मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अब हम इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे जब तक जो ये टमाटर है तेल ना छोड़ दे। आप इसे चाहो तो ओपन करके इस तरह से खोल के भी पका सकते हो या फिर ढक्कन लगा के, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ इसे कवर कर दूंगी 5 से 6 मिनट के लिए। बीच में हम इसे चेक करेंगे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसे ओपन करके देखूंगी। देखिए टमाटर जो है तेज हो चुका है। अच्छे से मिक्स करेंगे हम और इसमें अपना ऐड करूंगी कसूरी मेथी एक छोटा चम्मच। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी कटहल जो मैंने बॉईल करके रखा था, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कटहल को अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसमें मिलाऊंगी गर्म पानी और उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करिएगा। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा करिएगा, अगर ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए तो कम रखिएगा। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मुझे यहाँ पे कटहल थोड़ा ग्रेवी वाला चाहिए तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही इजी है बनाना, आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। आप यहाँ पे कटहल को बॉईल करने के बजाय फ्राई करके भी इसमें डाल सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैं इसे 8 से 10 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं तो मैं अभी इसे बीच में चेक कर रही हूँ। इसे हम अच्छे से दोबारा थोड़ा सा
मिक्स करेंगे। तो अभी कटहल तैयार नहीं है, 4 से 5 मिनट अभी और लगेंगे। इसे दोबारा हम मीडियम फ्लेम पे ही ढक्कन लगा के 4 या 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और 4-5 मिनट और इसे मैंने पकाया है। ये देखिए कटहल से जो तेल है थोड़ा अलग होने लग गया है, तो इसका मतलब कटहल हमारा तैयार है। मैंने इसमें इतना ही ग्रेवी रखा है, आप इसे चावल या फिर नान चपाती के साथ खा सकते हो। अब मैं इसे जो है चेक करके आपको बताऊंगी कि ये देखिए कटहल बिल्कुल जो है हमारा पक चुका है। इसके बाद मैं इसे हरा धनिया से गार्निश करूंगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए सर्व करते हैं इसे। देखिए हमारी कटहल की सब्जी बिल्कुल तैयार है, आप इसे नान या फिर राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू।